छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। अरे जल्दी आओ भाई। अरे धीरे धीरे, लीजिए टिफिन। रोज भूल जाते हैं आप। खन्ना साहब को देखिए, कभी अपना टिफिन भूलते हैं क्या घर पे? अच्छा ये खन्ना पुरान बंद करो प्लीज। सुबह सुबह क्या बात है भगवान भैया, आज तो आप अनिल कपूर लग रहे हो। अबे भूतनी के। अच्छा कैसे, मतलब हाउ, कहाँ से, मतलब बाल तो मूंछों से। ओह अरे स्कूटर स्टार्ट हो गया, थैंक यू। बस बस अब ज्यादा भाव मत खाओ। और एक खटाई लाल, तुम नजर मत लगाओ। अब आप जल्दी से ऑफिस जाओ, वापस आएंगे तब नजर उतार दूंगी। अरे भगो बेटा, वो तेरा पानी का मटका टूट गया है तो लौटते में बाजार से लेता आना। अच्छा हाँ। पापा जी आपको पानी के मटके की जरूरत क्या है वैसे, फ्रिज है ना घर में। बेटा इतने सालों से मैं मटके का पानी पी रहा हूँ सर्दियों में, अब इस बुढ़ापे में तू मेरी इस आदत को सुधारेगा क्या? पापा जी आदत सुधारने के लिए उम्र थोड़ी देखी जाती है, इन एनी एज यू कैन इम्प्रूव। वही तो, आप इस उम्र में भी अपनी आदत सुधार नहीं पा रहे हो। और ये पापा जी जिनकी ट्रेन ऑलरेडी जिंदगी के आउटर पे खड़ी है और कभी भी लास्ट प्लेटफॉर्म पर लग सकती है, उनसे आप कहते हैं कि अपनी आदतें सुधारें। आप अपनी ये आदतें कब सुधारोगे? अच्छा ठीक है, इट्स ओके, आई एम सॉरी, बस गलती हो गई मुझसे, पापा जी मत सुधरो। ओके बाय। भाग जाते हमेशा। अरे बहू बेटा ये क्या है? ये किसने किया? ये तोना तोत का किसने किया? अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हे भगवान अब क्या होगा? कुछ नहीं, मैं अभी साफ कर देती हूँ ना। बहुत बड़ी आपत आने वाली है यहाँ पे। क्या यहाँ पे कोई दुकान खुली नहीं, क्या करूँ? ए भाई साहब एक मिनट, यहाँ घड़े की कोई दुकान होगी आसपास? नहीं भाई साहब, शनिवार है ना, यहाँ का बाजार बंद है। अच्छा कहाँ मिलेगा कुछ? आप एक काम कीजिए, किदवई नगर साइड चले जाइए, आपको वहाँ मिलेगा। किदवई नगर? हाँ। अरे वहाँ के पास से ही तो मैं आ रहा हूँ, वहाँ तो कुछ लेकिन वही मिलेगा। लेकिन जब तक वहाँ जाऊँगा तो वो भी बंद हो चुका होगा। मतलब कुछ और मांगता तो वो भी मिल जाता भगवान, मटका। लावारिस नो बट इट्स रॉन्ग। अगर पापा जी खुश हो जाते हैं तो इट्स राइट, एक्चुअली इट्स राइट। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, देखे सहारे मैंने पा लिए जिनको क्या चाहिए। अरे वाह भग्गो बेटा, वाह वाह वाह। नए घड़े की क्या सुगंध होती है, सोंधी सोंधी, वाह 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 वाह। भग्गो बेटा तुम्हें एक बात पता है, मटके का पानी पीना सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है? आई नो, यस। आओ
अरे आपको देखकर लगता, मतलब आपके स्वास्थ्य को देखकर लगता है कि मटके का पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। यू आर फिट एंड फाइन। अरे बेटा, अरे एक जमाना था जब मोहल्ले में लोग मुझसे पंजा लड़ने में डरते थे। पापा जी कैसा है मटका? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ऐसा है कि इस घड़े में मैं अभी पानी भर देता हूँ, जिससे कि रात के खाने तक ठंडा हो जाएगा। कम से कम ठंडा पानी तो मिलेगा पीने के लिए। अरे आप क्यों भर लेंगे भाई वो अभी? अरे बेटा, बहू बेटा जरा बाजार गई है किसी काम से। क्या क्या करे बेचारी, सब कुछ तो करती है। इस घर की वो बहू भी है, बेटी भी है, माँ भी है, क्या क्या नहीं करती वो इस घर के लिए। तो इस काम को मैं ही कर लेता हूँ। ठीक है पापा जी, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। बॉबी, बॉबी क्या हुआ? कहाँ गई थी? क्यों मर रही उसको? बाजार गई थी। ये वहाँ पे रास्ते में लेटकर जिद करने लगा कि रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए। इसने बहुत तंग किया है मम्मी को। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। अरे सड़क पे कोई लेटता है बेटा? पापा, मुझे रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। कार चाहिए? अगले महीने दिलवा दूंगा, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। यस यस। आज मैं तेरा मुंह धुलाती हूँ। कब आया? अरे अभी आधा घंटा हुआ बस। मटका ले आए पापा जी के लिए? मटका ले आया, वो देखो वो पड़ा, धो के पानी भर के बिल्कुल रेडी करके रखा है पापा जी। और पापा जी बहुत खुश हैं पता है। अच्छा, कितने का है ये? 30। 30 रुपए का? नहीं, 30-40 जगह मैंने देखा तो ये पसंद आया मुझे, और 100 के आसपास, 100 का ही है। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। अरे यार मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? अरे मैंने कब कहा कि आप झूठ बोल रहे हो? ₹100 का ही आता है ये। अच्छा अच्छा, मैं जरा आती हूँ। यार हद है तुम्हारी, थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकते? बता देता उसके सामने जरूरी। भगवान दास, चौराहे से मटका उठा के लाना अच्छी बात नहीं है। I know it's wrong, but sometime, you know, जब मैं ऑफिस से निकला तो बहुत देर हो गई थी, बाजार बंद हो चुके थे और मटके की दुकानें तो सारी बंद थी। अब मैं करता तो क्या करता। पापा जी 3-4 दिन से बोल रहे थे और बड़ी शिद्दत से उन्होंने आज कहा था कि आज लेकर ही आना। पर by the way, अगर मैंने चौराहे से ऐसे एक घड़ा उठा लिया लावारिस, तो what's wrong? मतलब हो सकता है किसी ने दान के लिए ही रखा हो। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि किसी ने पूजा पाठ, ग्रह शांति या फिर किसी और चीज के लिए रखा हो। ग्रह शांति यू मीन टोना टोटका? अब देखो यार भगवान दास, मुझे इन सब चीजों की जानकारी बिल्कुल नहीं, पर एक बात अवश्य याद रखो, घर में कोई भी वस्तु लेकर आओ तो उस वस्तु के आसपास अवश्य देख लेना चाहिए, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई जिसे नहीं आना चाहिए। देखो यार, घर एक पवित्र मंदिर है तो उसमें आने वाली हवा पावन होनी चाहिए। आई नो शिवाय, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं लाया हूं मैं। इट्स ए सिंपल प्लेन मटका, कुछ भी नहीं ऐसा है, सो इट्स ओके। भगवान दास, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती पर होती अवश्य। शिवाय, तुम्हारा मतलब कहीं भूत प्रेत या आत्मा से तो नहीं है? अब ये मत कहना कि मुझे इन सब में विश्वास है, हैं? अरे यार तुम हंस क्यों रहे हो? मैं स्वयं भूतनाथ हूँ।
I know. और रही बात तुम्हारी आत्माओं की, तो भगवान दास, मृत्यु और जीवन के बीच का जो समय है ना, उसमें पता नहीं कितनी भटकती आत्माएं होती जो हमारे आसपास ही होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती पर होती अवश्य। तो इस मटके में आत्मा है? जिस घर में भगवान रहता हो वहां आत्मा तो क्या, आत्मा का पाप भी नहीं आ सकता। और यहाँ, यहाँ तो दो दो भगवान हैं। बॉबी, एक काम का भगवान और एक नाम का भगवान दास। सुनिए, किसे बातें कर रहे हो? ऐसे ही, जस्ट आई वॉज थिंकिंग, आई एम हैप्पी टुडे बिकॉज मटका आ गया ना। अच्छा, पापा जी भी आज बहुत हैप्पी हैं। अच्छा सुनिए, वो बाजार से जरा सूजी लेके आइए ना, पापा जी को सूजी का हलवा खाना है। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा भाई, तुम जाना नहीं। क्यों? क्यों का क्या मतलब? अरे भाई, हलवा बन रहा है, सब बैठ के खाएंगे। ठीक है, फिर देख लेंगे आत्मा वात्मा का जो भी। भगवान दास चौबे। ये तुमने अच्छा नहीं किया भगवान दास, रास्ते का मटका उठाकर तुमने खुद के रास्ते लगा लिए। अब सब कुछ रास्ते पे लाना, कहीं तुम्हारे रास्ते ना लग जाए। चलो कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। भाई बहु बेटा, मजा आ गया, बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाया। तो क्या मैं रोज आपको अच्छा खाना नहीं खिलाती पापा जी? अरे खिलाती हो, खिलाती हो, मगर भाई आज की बात तो कुछ अलग ही है। वही तो। अरे बहु बेटा, ना पानी देना। हाँ, लीजिए। नहीं नहीं, ये पानी वो नए मटके वाला पानी। अच्छा, गिलास वही है ना? हाँ पापा जी। ठीक, लो भाई, अपना भी हो गया खाना। ये पापा जी कहाँ रह गए? पानी पीने गए थे, क्या हुआ? अरे पापा जी, कहीं अपने कमरे में तो नहीं चले गए ना? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, नहीं तो अभी तक आते पीछे से और बोलते। अब्बू बेटा। अरे पापा जी, आपने तो डराई दिया था कसम से। अरे बहू बेटा, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा पापा जी, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट पापा। पापा जी भी ना कभी कभी कॉमेडी करते हैं। भगवान ऐसे ससुर सभी को दे। वही तो।
कौन है? पापा जी, क्या क्या चाहिए पापा जी? अरे मैं देता हूं ना, बताइए ना पापा जी। पापा जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, अभी तो आप वहां थे। वहां? हाँ, अभी देखा मैंने वहां। मैं तो अपने कमरे में था जब तुम्हारी आवाज आई, पापा जी, तो मैं अंदर से उठ के बाहर आया। क्या बात है बेटा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या बेटा, नींद नहीं आ रही है? हाँ शायद। सो जाओ। ठीक है, आप सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। पापा जी, शायद कमरे में चले गए होंगे, डर गए होंगे शायद। अभी जल्दी करो भाई। आई। अरे वाह, क्या बात है मेरे हीरो, आज तो सलमान खान लग रहे हो। क्या चाहिए? अब कुछ नहीं, ये लो टिफिन। अब सुनिए ना, एक थोड़े से पैसे देके जाइए ना मुझे। बॉबी, तुम हमेशा पैसे क्यों मांगती रहती हो बॉबी? अरे कभी कुछ काम की चीज भी तो मांगा करो। जैसे क्या? अब जैसे ज्ञान विज्ञान की बातें हो, कोई जनरल नॉलेज की बातें, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट व्हाई ओनली मनी? पैसा पैसा। जिसके पास जो चीज हो वही मांगूंगी ना। हाँ वो सुनिए ना, वो एक 500 रुपए दे के जाइए ना। अरे मैंने सहेलियों को लंच पे बुलाया है, आज नई किटी शुरू करने जा रहे हैं ना, उसके लिए एक किटी पार्टी रखी है हमारे यहाँ। Why किटी पार्टी? I don't like kitties parties. I hate. वही तो, खन्ना साहब को देखिए कितना लव करते हैं किटी पार्टी को। अरे वो तो खुद 6-7 किटियों में मेंबर हैं, और एक आप हैं नॉन किटी। एक मिनट, ये लो 500 रुपए। थैंक यू। संभाल के खर्च करना। कौन कौन आ रहे हैं किटी पार्टी में? आपसे मतलब, जाइए अब लेट हो रहा है। अच्छा सुनो, पापा जी कहाँ हैं? वो देखिए अभी तक सो रहे हैं। 9 बज गए। वही तो, सुबह से 2 बार उठा चुकी हूँ उन्हें, लेकिन उठते ही नहीं है आज। तबीयत तो ठीक है ना उनके? पता नहीं, मैं देखता हूँ। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, अरे भगू बेटा, अभी तक तू दफ्तर नहीं गया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं जा ही रहा था ऑफिस, तो मुझे पता लगा कि आप अभी तक सोए हुए हैं, 9 बज गए, तो सोचा आपको उठा दूं। क्या हुआ, रात को नींद नहीं आई? हाँ बेटा, वो रात में ठीक तरह से सो नहीं पाया था, इसलिए वो आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, अगर आप कहें तो आप नहा लीजिए, मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? श्योर? हाँ बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। तू दफ्तर जा, तुझे देर हो रही होगी। ठीक है, चलता हूँ। सुनो जरा बेटा, ध्यान से जाना, आजकल कच्चा गैंग का बड़ा आतंक है कानपुर में। तो आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? बेटा इसलिए बता रहा हूँ कि कच्चा गैंग अगर तुम्हें मिल जाए ना, तो उसको टीटू के अंडरवियर बनियान बेच देना। कच्चा गैंग बहुत बड़ा है, फिर सेल बढ़ जाएगी। थैंक यू फॉर सजेशन। बाय बाय बेटा। गया, अब मैं अकेली बॉबी के साथ, उसकी सहेलियां
कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, है ना? आज मैं बहुत अच्छी तरह से सजूंगी, बहुत अच्छी तरह से। पक्का मटका कहाँ गया? बहु बेटा। जी पापा जी। अरे वो मटका कहाँ गया? अरे वही मटका जो भगवान मेरे लिए लाया था पानी का। अच्छा वो मटका वो यहाँ रखा है। नीचे क्यों रख दिया तूने? पापा जी मैं वो सफाई कर रही थी यहाँ पर, इसलिए नहीं। अरे सफाई कर रही थी तो यहाँ उठा कर नहीं रख सकती थी क्या? पापा जी सॉरी। सॉरी की बच्ची एक भी काम ठीक से नहीं कर सकती है, चल यहाँ से। हो क्या गया है? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं ये? इतने गुस्से में क्यों है? पापा जी कहाँ चले गए? पापा जी क्यों रही हो? पापा जी। हाँ बेटा मैं हूँ पापा जी। आप तो अंदर थे ना कमरे में, दीवार पर लटके हुए। दीवार पर लटका हुआ? अरे बेटा सवेरे से अब तक तुम्हें मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला क्या? नहीं मैंने खुद देखा था आपको, आप दीवार पर लटके थे ऐसे। बेटा कोई बुरा सपना देखा होगा। देखो तुम दिन भर काम करते करते इतना थक जाती हो, पूरे घर का बोझ तुमने अपने सिर के ऊपर ले रखा है। अरे बेटा थोड़ा आराम किया करो तो ये उल्टे सीधे सपने नहीं आएंगे। हाँ पापा जी शायद आप सच बोल रहे हैं। मैं चाय बनाती हूँ, मेरी सहेली आने वाली है। हाँ बेटा तुम चाय बनाओ, मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने। पता नहीं क्या हुआ रात को नींद ठीक से नहीं आई। अच्छा हे भगवान कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई? हे भगवान मेरा दिमाग ठिकाने रखना, पूरे 11 रुपए की बूंदी चढ़ाऊंगी मैं, बूंदी बाद में चढ़ाऊंगी,
पहले चाय चढ़ाती हूँ। थोड़ा सो लिया जाए। भाई देखो हाँ, 2-2 हजार की किट्टी डालेंगे और मोहल्ले की जो भी औरत आना चाहे वो आ सकती है, क्यों भाभी? हाँ। वही तो। तो कुल कितने मेंबर हैं? कुल मिला के तो हम 5 मेंबर्स ही हैं। 5 नहीं, 6। छठवी मैं, हूं ना तुम्हारी छठवी मेंबर किटी की। पापा जी गुप्ता कैसी हो? हाय, क्या खा रही हो? रख दो ना। ए मिश्रा, हमको अपनी किटी का मेंबर नहीं बनाओगी क्या? आप तो चाचा जी। चाचा जी नहीं, मेरा नाम ले ना, राजरानी। राजरानी? चाचा जी देखिए, ये किटी औरतों के लिए होती है। हाय, तो मैं तुझे क्या दिखती हूँ? बोल ना, मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, अच्छे लग रहे हैं बॉबी। हाँ, हम लोग चलते हैं, इतनी फिर कभी निकाल देंगे। हाँ, बाद में आते हैं। अरे मिश्रा, इन कहाँ जा रही हो? अभी तो मैं आई हूँ, अभी बैठेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बैठो ना, बैठ। चाचा जी, हम दाल चढ़ा के आए हैं, गैस पे जाने दीजिए। हाय दैया, अरे सिलेंडर तो यहाँ रखा है, दाल किस पर चढ़ा कर आई हो? बॉबी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। बैठिए, तुम बैठिए बैठिए, आ जाओ बैठो सब लोग। हम लोग पर्ची निकालते हैं। ए बहू बेटा, ए बोल ना इनको मुझे भी मेंबर बना ले। क्यों पापा जी? बना लिया। हाय रे, अब आएगा मजा। अब क्या करें? अरे करना क्या है, सबके नाम की पर्ची डालते हैं और आज की किटी निकालते हैं। चलो ठीक है। मैं सबके नाम की पर्चियां निकालती हूँ, ठीक है? ये क्या, ये तो 5 ही पर्चियां हैं। ए, मेरी छठी पर्ची कहाँ है? अरे मैं भी तो तुम्हारी किटी की मेंबर हूँ। देखो भाभी, हाँ ऐसे नहीं होगा, या तो तुम चाचा जी को अंदर भेजो, नहीं तो हम लोग चलते हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो गुप्तायन, मैं अंदर क्यों जाऊँ? ऐसे भी कहीं बात की जाती है क्या? अरे देखो ना मिस रायन कैसे बात कर रही है, ये इसको कहो ना ठीक से बात करे। मिस रायन कहो ना। चाचा जी अभी क्या कर रहे हैं, क्यों बार बार टच कर रहे हैं आप? देखिए बहुत हो गया, बुढ़ापे में आपको ये सब शोभा नहीं देता। बुढ़ापे में? क्या बोली मोटी, मेरे को बुढ़ा बोलती है? हैं? बुढ़ा बोलती है मेरे को? अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप। पापा जी Sit down. बैठ जाना। हमको मारा।
आंटी, अरे ऊपर तो तुझे मैं भेजूंगी। अच्छा कैसे? ऐसे। अब तो अपने घर जा। भगवान, ये क्या हो रहा है? बचाओ उसको। ए गुप्ताइन, मुझसे भाग के कहाँ जाएगी तू? चाचा जी प्लीज हमको जाने दीजिए। इधर आ। कहाँ जा रही? अब तू जा और अपनी सहेली के साथ जाकर किटी खेल। क्या तुम दोनों भी ऊपर जाओगी? पापा जी प्लीज उतार दूं? हाँ। तो तू मुझसे वादा कर, मुझे हलवा खिलाएगी? हाँ खिलाऊंगी। खूब तेज शक्कर डाल के? हाँ खिलाऊंगी, लेकिन आप इनको नीचे उतारिए प्लीज। ठीक है। मैं उसको उतार देती हूँ। अरे गुप्ताइन, हे भगवान, गुप्ताइन। ए बॉबी, अब देख ज्यादा नाटक मत कर, जा और मेरे लिए हलवा बना के लेके आ। खूब ज्यादा शक्कर डालना, खूब मीठा। आज पता नहीं क्यों मेरा बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? वो पापा जी ने गुप्ताइन को मारा। हाँ? मिश्राइन को हवा में लटका दिया। बॉबी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी छोड़िए, पापा जी को जरूर कुछ हो गया है। अरे क्या हुआ? आप प्लीज जल्दी आ जाइए ना घर, प्लीज। मैं आ रहा हूँ बॉबी, मैं आ रहा हूँ बॉबी। हेलो हेलो, क्या हुआ बहू बेटा? भगू को फोन कर रही थी। क्या बोला? अरे बोलना, क्या बोला? कुछ नहीं पापा जी। बॉबी, बॉबी, आई। बॉबी, आ गया। एक मिनट, कहाँ है पापा जी? वो, अरे वो क्या बता रहा हूँ, बोलो। कहाँ? आपके पीछे। अरे भगू बेटा, आज बड़ी जल्दी आ गया। वो ऐसे ही बस आज। कैसे हैं आप? अरे बेटा मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं एकदम ठीक हूँ। अरे बहू बेटा, जरा बढ़िया सी चाय बना ला और साथ में कुछ मीठा भी, थोड़ा तेज मीठा डालना। जी जी पापा जी। क्या हुआ इनको, ठीक ठाक तो है? ठीक नहीं है, अब तक तो मुझे धमका रहे थे, आपके आते ही अचानक नॉर्मल हो गए। आपको पता है दोपहर में उन्होंने क्या किया? क्या 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 किया? मेरी सारी सहेलियां आई थी यहाँ पे किटी पार्टी में। वही तो। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? यस नो, आई मीन I don't know, but पापा जी, मिस राइन तो कैसे उठा सकते हैं ऐसे? देखिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब प्लीज पापा जी को कोई अच्छे से डॉक्टर को दिखा दीजिए। ठीक है, मैं दिखा दूंगा कल डॉक्टर को, बस। ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? पापा जी, no, it's not possible.
इट्स नॉट पॉसिबल. क्या हो गया भगवान दास? शिवाय, तुमने सुना बॉबी ने क्या बोला? सुना मैंने भगवान दास. क्या लगता है तुमको वो सच बोल रही है? तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती? मैं नहीं मान सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल पापा जी. मिस रानी इज वेरी फ्लैट, यू नो. पापा जी इज शॉक्ड. हाउ कैन आई मीन. भगवान दास, जिस प्रकार इस पृथ्वी पर अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के मनुष्य होते, उसी प्रकार अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की आत्माएं भी होती. आत्मा मतलब वो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, मतलब पहुंचाती है. हंस रहे हो यार? भगवान दास, नुकसान केवल मनुष्य पहुंचाता है, आत्मा नहीं. I'm confused. Please tell me, what should I do? क्या करूं मैं? प्रेम करो. मतलब? मतलब ये कि भगवान दास, प्रेम और संयम यही दो ऐसे अस्त्र हैं जो मनुष्य को तो क्या, पर्वत को भी पिघला सकते हैं. और बाकी तुम डरो मत यार, आखिर मैं तुम्हारे साथ हूँ. नमक के आपने मायके से दहेज में लेकर आई थी? नहीं तो पापा जी, बनिया की दुकान से लाई थी 2 पैकेट. तो क्या दोनों दाल में डाल दिए? नहीं तो. नमक में दाल डालिए कि दाल में नमक डाला है? पापा जी, इट्स ओके, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा डल गया होगा. इट्स ओके. चुप, चोरू के गुलाम, पत्नी का पिट्ठू. पत्नी की बुराई सुनी नहीं जाती तुझसे? पापा जी, इट्स नॉट लाइक दैट. आई एम नॉट पत्नी का पिट्ठू. पापा जी, मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब है, आप अंदर जाके आराम कर लीजिए. हाय, मुझे क्या हुआ है? कुलटा कुलक्षणी. हाय राम. पापा जी, ये आप औरतों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? व्हाट हैपेंड? और ये उंगली पर क्या आपने नेल पॉलिश लगा रखी है? लाइए मैं साफ कर देता हूँ. कोई पराया मर्द मुझे हाथ लगाए, मुझे अच्छा नहीं लगता है. हाँ पापा जी, आई एम नॉट पराया मर्द. ये आप औरतों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? पापा जी नहीं है, पापी जी है. पापा जी. पापा जी आजकल औरतों वाली हरकतें करने लगे हैं, उनको डॉक्टर को दिखा दीजिए. पर आप है कि सुनते ही नहीं है. खन्ना साहब को देखिए, रोज अपने पापा को डॉक्टर को दिखाते हैं. और एक आप हैं. बॉबी, मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा. पापा जी को कोई मानसिक बीमारी है. मानसिक बीमारी बीमारी कुछ नहीं है, भूत ने पकड़ लिया है उनको. भूत? हाँ. नहीं भगवान दास, पापा जी को किसी भूत ने तो नहीं पकड़ा. शिवाय, भूत ने नहीं पकड़ा है तो पापा जी को किसने पकड़ा है? भूतनी ने. भूतनी ने पापा जी को? भूतनी ने पकड़ा है? यू मीन प्यासी आत्मा? अरे किससे बातें कर रहे हो? अरे एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको यार, प्लीज. मतलब पापा जी को भूतनी ने क्यों पकड़ा है? मतलब व्हाई ओनली पापा जी? ये बात तो मैं कैसे बता सकता हूँ भगवान दास, ये तो भूतनी ही बता सकती है ना. But how can I ask?
वही करो भगवान दास, जो तुम्हारी अंतरात्मा क्या थी? अरे बाहर में गई यार अंतरात्मा, यहाँ घर के अंदर प्यासी आत्मा घुसी पड़ी और तुम कह रहे हो अंतरात्मा की बात सुनो। हाउ प्लीज प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू। मैं बताऊं निर्मोही? अब मैं राज करूंगी यहाँ पर, राज रानी राज करेगी यहाँ पर, राज रानी राज रानी का राज होगा। इतना कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंट जो बुरी आत्मा जीते जी राज नहीं कर पाई। अरे तू मरने के बाद क्या राज करेगी? कौन है सामने हो मेरे? अरे कोई भूत है क्या? भूत नहीं, भूतनाथ हूं मैं। कौन है तू? कहा तो भूतों का राजा भूतनाथ। ए, तू जो भी है ना मेरे सामने से हट जा, वरना बहुत पछताएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे ऊपर अस्तर, मेरे ऊपर अस्तर। देख मैं तुझे अभी उठा के ऊपर फेंक दूंगी। अब देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। मजाक उड़ाता है तुझे तो मैं बस बस